लिए चलते हैं। बिल्कुल, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है शिमाली कश्मीर की जिला बांडीपुरा से, जहां पर सुमलर का इलाका है और बांडीपुरा के शोक बाबा जंगलाती इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था वो एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। इस बीच आपको बताएं, इस इलाके के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की तरफ से मुश्तरका कार्रवाई की जा रही है और 2 से 3 मिलिटेंट इलाके के अंदर मौजूद थे जराए के मुताबिक, जिसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस वक्त जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं, सुमलर का इलाका है, जंगल है और इस ऑपरेशन को काफी वक्त पहले शुरू किया गया था, लेकिन अब यहां पर दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हुई हैं। बाकायदा सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है और सीधा अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे, जहूर। जहूर भट्ट हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बताएं कि लगातार जनूबी कश्मीर में सबसे ज्यादा मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन चले और उसके बाद शुमाली हिस्सों के अंदर, और ये वो इलाका माना जाता है जहां पर बताया जाता है कि खुफिया इदारों को जो इत्तला मौसूल हुई थी कि इस इलाके के अंदर मिलिटेंटों की मुश्तबा नकलो हरकत है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, पुलिस का सहारा लिया गया, फौज ने यहां पर ऑपरेशन शुरू किया तो सीआरपीएफ की मदद भी ली गई। 2 से 3 मिलिटेंट इलाके के अंदर मौजूद हो सकते हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आ रही है, पुलिस व दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त कार्रवाई कर रही हैं, फायर ओपन हुआ है, सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में अब तब्दील हो चुका है। हालांकि सूरतेहाल पुरअमन है इलाके के आसपास, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन इस वक्त फोर्सेज का जारी है। चलिए, इस खबर पर मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए हमारे साथ बांडीपुरा से जहूर भट्ट भी इस वक्त प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। जहूर, सुमलर इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद क्या गोलियों का तबादला शुरू हुआ और किस तरीके की सूरत हाल सुमलर इलाके में बनी हुई है? जी भी, मैं आपको बताता हूँ, बांडीपुरा इस मॉर्निंग में जो है मिलिटन की प्रेजेंस बताई जा रही थी, जहाँ जब सिक्योरिटी फोर्स उस मुकाम पे पहुंचे तो सिक्योरिटी मिलिटन उन पे जो है हमला किया और वहां पे जो है गोलियों का तबादला है दोनों तरफ से शुरू हुआ है। अभी जो जब पहली जो फायरिंग तो दोनों तरफ से गोलीबारी जो है वो कंटिन्यूअसली जारी थी, अभी भी हम जो स्क्वाड पे हैं रुक रुक के जो है फायरिंग का तबादला देखने को मिल रहा है और रुक रुक के गोलीबारी दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। अभी सिक्योरिटी फोर्स में लगी जिसकी 14 RR और बांडीपुरा पुलिस के साथ साथ CRPF वहां पे लगी है और इनकाउंटर का जो सिलसिला है वो अभी जारी है। वो जराये के हवाले से भी हमें खबर मिल रही है कि 2 से 3 जो मिलिटेंट्स हैं इस जंगल में छुपे हुए, क्योंकि गनी वाली जो जंगल है वहां पे बताया जा रहा है कि इसमें टाइम भी लग सकता है क्योंकि ये घना जंगल है, जो शोक बाबा एरिया सुमलर बांडीपुरा का विलेज है वहां पे जो इनकाउंटर है वो इब्तदाई में अभी जो है चल रहा है। जी आज अमीन जहूर, और एक चीज और भी बताइएगा, क्योंकि पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है सर्च ऑपरेशन मामूल के मुताबिक आमतौर पर होते थे, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक इनपुट्स थी जिसके बाद ऑपरेशन को शुरू किया गया। कस्बे से या टाउन से कितनी दूरी पर इलाका के आसपास कोई बस्ती है जहां पर ऑपरेशन हो रहा है? जी सुमलर जो इलाका है वो बस्ती वाला इलाका है, लेकिन जहां इनकाउंटर चल रहा है शोक बाबा फॉरेस्ट में वो खाली जंगल है, वहां पे खाली जंगल है और इस जो इनकाउंटर का स्पॉट है वो पूर्ण जंगल है, लेकिन घने पेड़ वहां पे घने जंगल है, लेकिन इनकाउंटर का जो सिलसिला है वो अभी जारी है। लेकिन जो इनपुट्स थे पहले से ही इनपुट्स थे स्पीड फोर्स के कि इस एरिया में जो मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है मौजूदगी है इस मिलिटेंट्स में इस जंगल में, तो उसी बुनियाद पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लिया है, जो ज्वाइंट फोर्सेज है वो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लिया है। जहाँ पे इनकी जो मौजूदगी थी वहां पे जो फायर वहां से रिप्लेट हुआ और यहाँ से भी तबादला जो फायर हुआ वो अभी तक जारी है। जरूर, शोक बाबा इलाके में फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर गोलियों का तबादला शुरू हुआ, उसके साथ साथ अगर हम सुमलर या बांडीपुरा कस्बे की बात करेंगे तो अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ इकदामात इंतजामिया की जानिब से किए गए? क्या जिस तरीके से हमने देखा था कि जिस एरिया में एनकाउंटर होता था वहां पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल रहती है, यहां पर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? अमीन बिल्कुल, अभी तक जो है इंटरनेट बदस्तूर जारी है और इंटरनेट की सुविधा वो चल रही है, लेकिन अगर सुमलर एरिया की बात करेंगे वहां पे जो अभी इनकाउंटर जो चल रहा है, लेकिन सुमलर जो बस्ती वाला इलाका है वहां एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को भी एहतियात के तौर पर सील कर दिया गया है। अभी तक जो है कोई लाइन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, नॉर्मली इनकाउंटर जो है रूटीन जैसे इनकाउंटर में अभी चल रहा है और फायरिंग का तबादला है वो दोनों तरफ से जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शुमाली कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई और पुलिस की तरफ से एनकाउंटर होने की तस्दीक कर दी गई है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी कश्मीर जोन की तरफ से जानकारी दे दी गई है, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन जो है इब्तदाई मरहले में है, किसी तरह की हलाकत की या कोई खबर ऐसी नहीं है जिसकी पुलिस ने तस्दीक की हो, लेकिन ये खबर